भजन संहिता अध्याय 92 भजन संहिता अध्याय 92 यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, दस्तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। दुष्ट जो घास की नाई फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नाश हो जाएंगे, परंतु यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा, तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नाश होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे, परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मैं टटके तेल से चुपड़ा हुआ और मैं अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लल्लाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सीधा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं।